हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं द एक्टर स्पेस एंड एक्टिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल से। मैं हूं जहांगीर और हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के इस सेगमेंट में बात करते हैं नए अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए जो एक्टर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश देखना चाहते हैं, एक्टिंग में एक्टिंग कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। हम अपने इस सेगमेंट में उन्हीं के लिए बात करते हैं। आप में से किसी साथी ने ये कहा था कि सर, डिक्शन के ऊपर वीडियोस बनाइए, डिक्शन में हम नए अभिनेताओं को बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है कैसे करें क्या करें। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, डिक्शन यानी उच्चारण ये एक बहुत ही बारीक और महीन काम है और इसके बिना अभिनेता के अभिनय करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी तरह का अभिनेता हो, किसी भी भाषा में वो काम करता हो, उसके डिक्शन पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण विषय है ये। इस पर हम लोग एक वीडियो में तो बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग बहुत सारे वीडियो लेकर आ रहे हैं सीक्वेंस में। उसी सीक्वेंस के वीडियो के इस पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभिनेता के उच्चारण यानी डिक्शन के बारे में, कि उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रही है, कि उनको जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे वो शॉर्ट आउट करें, कैसे ठीक करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं अभिनेता के उच्चारण और डिक्शन को ठीक करने के बारे में। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि द एक्टर स्पेस एंड एक्टिंग स्कूल के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो यहां अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको जाए। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने विषय की ओर। आज का विषय है डिक्शन उच्चारण। उसके इस पहले भाग में हम लोग बात कर रहे हैं नए अभिनेताओं को जो दिक्कत होती है उसको कैसे वो शॉर्ट आउट करें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब अभिनेता अभिनय करने की शुरुआत करता है तो उसको सडनली पता चलता है कि उसकी डिक्शन, उसकी भाषा बहुत ही ख़राब है और वो किसी कैरेक्टर को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जहाँ भी वो काम करता है, जैसे भी उसको पता चलता है, तो वो परेशान हो जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गलत तरीक़ों से अगर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत लंबा समय लगेगा। और दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिक्शन पर, अपने उच्चारण पर काम कर सकते हैं, जिससे आपका उच्चारण धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मुझे ये आशा है कि ये आपके साथ ज़रूर वर्क करेगा। सबसे पहले एक नए अभिनेता को जब ये पता चलता है कि उसका डिक्शन ख़राब है तो वो परेशान हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है और बहुत सारी किताबें पढ़ने लगता है और बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करता है, लेकिन उसको उस तरह से फ़ायदा नहीं होता है। इसकी एक बड़ी वजह है दोस्तों, आप डिक्शन बाहर से ठीक करना चाहते हैं। वो जो आप अप्रोच लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, वो बाहर से एफर्ट है। उसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आप बोल चाल कैसे करते हैं। नए अभिनेताओं को, नए साथियों को अक्सर ये लगता है कि वो 2 घंटे डिक्शन के ऊपर काम करके अपना डिक्शन ठीक कर लेंगे, जबकि वो अगर 17 घंटा दिन में जागते हैं और काम करते हैं तो वो 15 घंटे गलत ही उच्चारण करते हैं, गलत डिक्शन के साथ बातचीत करते हैं, गलत स्ट्रेस के साथ बातचीत करते हैं और 2 घंटे रिहर्सल और प्रैक्टिस करके सोचते हैं कि ठीक हो जाए। दोस्तों, अगर आप 20 साल के हैं तो आप सोचिए कि 20 साल से आप एक गलत चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आप 2 घंटे में रिहर्सल करके ठीक नहीं कर सकते। डिक्शन ठीक करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस उलटना पड़ेगा। आप जो ये 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं डिक्शन की, वो तो आप करें, लेकिन आप 15 घंटे जब आप जाग रहे होते हो और दूसरे काम कर रहे होते हैं, उसमें आप ध्यान दीजिए कि आप कैसे बोलते हैं, आप गलत कहाँ बोलते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं तो आप सुधारेंगे क्या। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक अभिनेता ये सुने कि वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उसके स्ट्रेस क्या है, वो गड़बड़ कहाँ कर रहा है। जब आप ये जान जाएंगे तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। हमें नए साथियों को ये पता ही नहीं होता है कि वो गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। कोई तीसरा आदमी उसको आके बता रहा होता है कि तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, वो नोटिस नहीं कर पाता। इसीलिए नए अभिनेताओं को सबसे पहले अपने आप को सुनिए। पूरे दिन आप जो बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, घर में, दोस्तों से, फ़ोन पर, उसमें आप ध्यान दीजिए कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपने आपको ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी भाषा, आपके डिक्शन में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से शुरू कीजिए। यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो आपको बेसिक्स पता चलेगा कि अच्छा, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, फिर उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन क्या है दोस्तों डिक्शन ठीक करने का, कि आप अपने आप को सुनिए। आप अपने आप को सुनना शुरू कीजिए और 17-18 घंटे जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जो बिताते हैं, वहाँ आप ध्यान दीजिए कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, वहाँ अलर्ट रहिए।
और वहाँ अलर्ट होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि अच्छा ये गड़बड़ करता हूँ, उसको आप 2 घंटे में ठीक कीजिए और उस पर काम कीजिए, तो आपके डिक्शन में अंतर पड़ेगा और डिक्शन अपने आप धीरे 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 ग्रो करेगा। दोस्तों फिलहाल तो ये पहला स्टेप है जो नए अभिनेताओं को शुरू कर देना चाहिए, आप अभी से ही शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपके डिक्शन को, उच्चारण को ठीक किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, उस पर हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभिनय से जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल हो तो वो भी हमें यहाँ लिख डालें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी देख सकते हैं, वहाँ हमारे सोशल मीडिया के पेजेस को लाइक करें और वहाँ भी आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं, हम वहाँ से भी आपके सवाल उठाएंगे और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिक्शन और उच्चारण से संबंधित और बहुत सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।